नमस्ते बच्चों। बच्चों, हमारे जीवन में बचपन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसी समय भविष्य की नींव पड़ती है। महान लोगों के बचपन में घटी घटनाएं प्रेरणा का काम करती हैं। ऐसी घटनाएं बड़ी स्वाभाविकता से बाल मन को सही दिशा में ले जाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। शिवाजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक की महानता उनके बचपन से ही प्रकट होने लगी थी। आज हम ऐसे ही घटना पर आधारित पार्ट 22 महापुरुषों का बचपन पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में तीन प्रसंग हैं और इसमें तीनों प्रसंग में अलग अलग घटनाओं का वर्णन है। हम पहले प्रसंग में देखते हैं, शाहजी अपने आश्रयदाता यानी आश्रय देने वाला, सहारा देने वाला बीजापुर के सुल्तान के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके मन में विचार आया, क्यों ना शिवा को भी आज अपने साथ ले चलूं? आखिर उसे भी तो एक ना एक दिन इसी दरबार में नौकरी करनी है। दरबार के नियम कायदों का ज्ञान भी उसे होगा। उन्होंने आवाज लगाई, शिवा, तुझे भी आज मेरे साथ दरबार में चलना है, जल्दी तैयार हो जा। पिता के आज्ञाकारी पुत्र ने आदेश सुना, वह तुरंत तैयार हो गया। पिता पुत्र दोनों दरबार में पहुंचे। शाहजी ने सुल्तान के सामने झुककर तीन बार कोर्निश की। कोर्निश का मतलब है झुककर सलाम करना। फिर वे अपने पुत्र की ओर मुड़कर बोले, बेटे, ये सुल्तान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, इन्हें प्रणाम करो। लेकिन निडर बालक ने कहा, पिताजी, मेरी पूजनी तो मेरी माँ भवानी है, मैं तो उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। पिता ने पुत्र की ओर आंखें तरेर कर देखा, फिर सुल्तान को संबोधित करते हुए बहुत विनम्र स्वर में कहा, हुजूर, यह अभी बच्चा है, दरबार के तौर तरीके नहीं जानता, इसे माफ कर दीजिए। घर लौटकर जब पिता ने अपने पुत्र को उसके व्यवहार के लिए डांटा तो उसने फिर कहा, पिताजी, माता पिता, गुरु और माँ भवानी के अलावा यह सिर और किसी के आगे नहीं झुक सकता। निडर बालक की बात सुनकर पिताजी सन्न रह गए। बच्चों, ये शिवाजी के बारे में था पहला प्रसंग। अब हम दूसरा प्रसंग में चलते हैं। स्कूल में कक्षाएं लग रही थी। निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के निरीक्षक आने वाले थे। नियत समय पर वे आए। एक कक्षा में विद्यार्थियों को उन्होंने 5 शब्द लिखने को दिए। उनमें से एक शब्द था कैटल। मोहन ने यह शब्द गलत लिखा। अध्यापक ने अपने बूट से ठोकर देकर इशारा किया कि आगे बैठे लड़के की स्लेट देखकर शब्द ठीक कर ले। मोहन को छोड़कर सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। उस पर अध्यापक भी नाराज हुए, लेकिन उसने दूसरों की नकल करना कभी न सीखा। बच्चों, आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था, और बचपन में उन्हें मोहन कहते थे। मोहन ही महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने यह शिक्षा दी थी कि दूसरों की नकल कभी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ का तीसरा प्रसंग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तीसरे प्रसंग में किसके बारे में बताया गया है। विद्यालय लगा था, लेकिन एक कक्षा में कोई शिक्षक नहीं थे। उस कक्षा के कुछ विद्यार्थी बाहर टहल रहे थे। कुछ कक्षा में बैठे मूंगफली खा रहे थे। वे मूंगफली के छिलके वहीं कक्षा में फेंक रहे थे। आप सब भी ऐसा ही करते हैं ना कक्षा में शरारत? हाँ, शिक्षक कक्षा में आए और कक्षा में मूंगफली के छिलके बिखरे देखकर बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित हुए मतलब गुस्सा हुए।
उन्होंने पूछा, कक्षा में मूंगफली के छिलके किसने फैलाए हैं? किसी विद्यार्थी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिक्षक ने दोबारा वही प्रश्न कठोरता से किया, किंतु फिर भी किसी छात्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब की बार शिक्षक ने हाथ में बेत लेकर, बेत यानी छड़ी लेकर कहा, अगर सच सच नहीं बताया तो सबको मार पड़ेगी। वे एक छात्र के पास पहुंचे और उससे बोले, मूंगफली के छिलके किसने फेंके हैं? जी मुझे नहीं मालूम, छात्र ने उत्तर दिया। सटाक सटाक दो बेत उसके हाथ में पड़े। छात्र तिलमिला कर रह गया। शिक्षक दूसरे तीसरे चौथे छात्र के पास पहुंचे, सभी से वही प्रश्न किया। सभी का उत्तर था, मुझे नहीं मालूम। सबके हाथों पर सटाक सटाक की आवाज हुई। अब शिक्षक पांचवें छात्र के पास पहुंचे, उससे भी वही प्रश्न किया। छात्र ने उत्तर दिया, श्रीमान जी ना मैंने मूंगफली खाई ना छिलके फेंके, मैं दूसरों की चुगली नहीं करता, इसलिए नाम भी नहीं बताऊंगा। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं मार भी नहीं खाऊंगा। शिक्षक छात्र को लेकर प्रधान अध्यापक के पास पहुंचे। प्रधान अध्यापक ने सारी बात सुनकर बालक को विद्यालय से निकाल दिया। बालक ने घर जाकर पूरी घटना अपने पिताजी को कह सुनाई। दूसरे दिन पिताजी बालक को लेकर विद्यालय में पहुंचे। तेजस्वी पिता ने प्रधान अध्यापक से कहा, मेरा पुत्र असत्य नहीं बोलता, वह घर के अतिरिक्त बाजार की कोई चीज भी नहीं खाता, उसका आचरण बहुत संयमित है, मैं अपने पुत्र को आपके विद्यालय से निकाल सकता हूँ, किंतु निरपराध होने पर उसे दंडित होते नहीं देख सकता। प्रधान अध्यापक शांत हो गए। यही बालक आगे चलकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। तो बच्चों, ये है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। आप सब उनके बारे में जानते ही हैं और हम 15 अगस्त 26 जनवरी में उनके बारे में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उनके नारे को भी हम जानते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने पहला प्रसंग में देखा वीर शिवाजी के बारे में, दूसरे प्रसंग में हमने देखा महात्मा गांधी जी के बारे में, तीसरे प्रसंग में हमने देखा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ये बचपन से ही महान थे, तो अब हम इसलिए इस पाठ का नाम पड़ा महापुरुषों का बचपन। तो हम महापुरुषों के बचपन से बहुत सारी सीख ग्रहण करते हैं। तो अब हम इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य को करते हैं। देखिए, पहला अभ्यास कार्य है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न पहला है, शाहजी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? बताइए। तो पहला प्रसंग में है ये, शाहजी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, क्या पढ़ा हमने? हाँ, शाहजी अपने आश्रयदाता बीजापुर के सुल्तान के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, तेजस्वी पिता ने प्रधान अध्यापक से अपने पुत्र के संबंध में क्या कहा? क्या कहा था तेजस्वी पिता ने? हाँ, तेजस्वी पिता ने प्रधान अध्यापक से अपने पुत्र के संबंध में कहा कि मेरा पुत्र असत्य नहीं बोलता, वह घर के अतिरिक्त बाजार की कोई चीज नहीं खाता, उसका आचरण बहुत संयमित है। अब अगला प्रश्न देखिए, किसने किससे कब कहा? कब में देखिए, तुझे भी मेरे साथ दरबार में चलना है। यह वाक्य किसने किससे कहा? हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा, शाहजी ने अपने पुत्र शिवा से उस समय कहा जब वे दरबार जाने की तैयारी कर रहे थे।
अब खा को देखिए, मेरा पुत्र असत्य नहीं बोलता। यह वाक्य किसने कहा? यह कथन तेजस्वी पिता ने प्रधान अध्यापक से उस समय कहा जब उसके निरपराध बालक को शाला से बाहर निकाल दिया गया था। अब अगला देखिए, हुजूर यह अभी बच्चा है। यह किसने किससे कहा? यह कथन शाहजी ने सुल्तान से उस समय कहा जब सीवा ने सुल्तान को झुककर प्रणाम नहीं किया। अगला देखिए, मैं दूसरों की चुगली नहीं करता। यह कथन किसका है? यह कथन पांचवें छात्र बाल गंगाधर राव तिलक ने शिक्षक से उस समय कहा जब मूंगफली के छिलके के बारे में उनसे पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द समूहों के लिए दाता शब्द का प्रयोग करते हुए शब्द लिखो। जैसे दान देने वाला, देने वाला की जगह अगर हम दाता कर देते हैं तो क्या हो जाता है? दान दाता, और दान दाता का अर्थ होता ही है दान देने वाला। ठीक है बच्चों, वैसे ही आपको आश्रय देने वाला, अन्न देने वाला, जन्म देने वाला, कर देने वाला, शरण देने वाला शब्द को आपको बनाना है। जैसे अब देख लेते हैं, आश्रय देने वाला आश्रय दाता, और अन्न देने वाला अन्न दाता, जन्म देने वाला जन्मदाता, कर देने वाला करदाता, शरण देने वाला शरणदाता। ठीक है बच्चों, अब अगला अभ्यास कार्य देखिए, दिए गए खाली स्थान में पर की ने को कारकों का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करो। क में दिया हुआ है छत, खाली स्थान कौआ बैठा था। तो अब यहां से आप छांट के बताइए कौन से कारक का यहाँ पर उपयोग होगा। हाँ, पर, छत पर कौआ बैठा था। अगला देखिए, मीरा खाली स्थान बेटी स्कूल में पढ़ाती है। अब यहाँ पर कौन सा कारक का उपयोग होगा, आप देखिए प्रयास कीजिए। हाँ, मीरा की बेटी स्कूल में पढ़ाती है। अगला देखिए, सभी बच्चे कक्षा खाली स्थान शोर मचाने लगे। कौन सा कारक आएगा यहाँ पर? हाँ, सभी बच्चे कक्षा में शोर मचाने लगे। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब हम अगला चलते हैं। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं, जिसे आपको अपने अभ्यास कॉपी में बनाना है, लिखना है। प्रश्न पहला, बालक मोहन ने अध्यापक का इशारा पाकर भी नकल नहीं की। यदि तुम मोहन की जगह पर होते तो क्या करते? सोच कर लिखो। प्रश्न दूसरा, घर के समान ही विद्यालय की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तीसरा प्रश्न है, हमारे देश के महापुरुषों ने हमें अनेक प्रेरक नारे दिए हैं, ऐसे पांच महापुरुषों के नाम और उनके दिए नारे लिखो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।